आज हमने वैल्यू एडिड टैक्स को डिस्कस करना है आज हमारा थर्ड डे है वेबिनार का जिसमें हम वैल्यू एडिड टैक्स को डिस्कस करेंगे वैल्यू एडिड टैक्स टी एक्स पेपर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके अंदर हमारे पास एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चंस आते भी हैं और स्टूडेंट्स इसको इग्नोर कर जाते हैं और एग्ज़ामिनर इसको ज़रूर फोकस करता है तो एग्ज़ामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट इसको मिस करते हैं इसका रीज़न ये है कि इसके अंदर कंप्लीट थ्योरी है और बीइंग एन स्टूडेंट जो है वो स्टूडेंट्स को थ्योरी इतनी पसंद नहीं होती तो वो इस चैप्टर को आमतौर पे इग्नोर करते हुए जाते हैं लेकिन एग्ज़ाम में जब इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो फिर स्टूडेंट्स जो है वो परेशान हो जाते हैं तो आइए हम आज के वेबिनार में टी की मैक्सिमम थ्योरी को कवर करने की कोशिश करते हैं वैल्यू एडेड टैक्स क्या चीज़ है आपकी अर्लियर स्टडीज़ में आपने ये देखा है कि अगर हम कोई चीज़ सेल करते हैं तो हमें उस पर आउटपुट टैक्स सेल्स टैक्स जिसको वैल्यू एडिड टैक्स इन यू के कहते हैं हमें देना पड़ता है अब वैल्यू एडिड टैक्स स्टैंडर्ड रेट ऑफ वैल्यू एडिड टैक्स जो है वो है ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी परसेंट आपको स्टैंडर्ड वैल्यू एडिड टैक्स देना होता है आप कोई भी चीज़ सेल करेंगे फॉर एग्जाम्पल हंड्रेड डॉलर की कोई चीज़ है हंड्रेड पाउंड की कोई चीज़ है ट्वेंटी पाउंड्स के हिसाब से उस पर जो है वो वैल्यू एडेड टैक्स आ जाएगा सेल के ऊपर जो टैक्स होता है उसको हम आउटपुट टैक्स कहते हैं अब हंड्रेड की चीज़ है ट्वेंटी परसेंट के हिसाब से उस पर ट्वेंटी का टैक्स हो गया तो फाइनल कंज्यूमर को वो आइटम कितने में मिली सर फाइनल कंज्यूमर को वो आइटम हंड्रेड एंड ट्वेंटी की पड़ गई इसको आपने याद रखना है कि ग्रॉस इज इक्वस टू नेट प्लस टैक्स इस सिनेरियो में हंड्रेड हमारी नेट अमाउंट है जो कि हमारी आइटम जो चीज़ हम सेल कर रहे हैं उसकी वैल्यू है ट्वेंटी हमारे पास जो है वो टैक्स का है ट्वेंटी परसेंट और जब टैक्स और नेट अमाउंट ऐड हो जाएगी तो हमारे पास ग्रॉस अमाउंट आ जाएगी जो फाइनल कंज्यूमर से हमें चार्ज करनी होती है यानी अगर हम कोई चीज़ सेल करते हैं हंड्रेड की तो कंज्यूमर को कितना पे करना पड़ेगा वन ट्वेंटी बिकॉज ऑफ टैक्स जो कि कितने परसेंट है ट्वेंटी परसेंट जिस तरह सेल्स के ऊपर आपको टैक्स देना है विच इज़ नोन एज आउटपुट टैक्स इसी तरह जब आप कोई चीज परचेस करते हैं तो उस पर आपको रिलीफ मिलता है रिलीफ कैसे मिलेगा इसको हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे सेल के ऊपर जो टैक्स है वो है आउटपुट टैक्स परचेजेस के टाइम पे आपको जो टैक्स आएगा वो होगा इनपुट टैक्स ये दो नाम हैं चीज वही है वैल्यू एडिड टैक्स लेकिन दो नाम बने हुए हैं तो हमने उन दोनों नामों को याद रखते हुए चलना है यह सेल्स के ऊपर जो टैक्स है वो है आउटपुट परचेज के ऊपर जो टैक्स है वो है इनपुट अब आउटपुट टैक्स जो है ये आपकी सेल्स पे होता है सेल्स को हम कहते हैं टर्न यानी आपका जितना ज़्यादा टर्न होगा ट्वेंटी परसेंट के हिसाब से आपका उतना ही ज़्यादा आउटपुट टैक्स बनेगा अब आउटपुट टैक्स देना तो है आपको मैंडेटरी है कि आप सेल करेंगे तो आपको आउटपुट टैक्स देना पड़ेगा लेकिन अब इसकी वर्किंग किस तरह से होती है रजिस्ट्रेशन करवानी है मैंडेट्री है कि वॉल्ट्री है अब हम इन चीज़ों को देखते हैं सबसे सब पहले एक छोटी सी बात याद रखिए आप सेल करेंगे आपको टैक्स देना पड़ेगा अब सेल आप क्या करते हैं उन आइटम्स को देखना है कि किस तरह की चीज़ आप सेल करते हैं कि उस पर आपको ट्वेंटी परसेंट टैक्स देना पड़ेगा तो आप देखिएगा आपके सामने एक चीज़ स्क्रीन पे नज़र आएगी मोस्टली हम जो चीज़ें सेल करते हैं उस पर हमें ट्वेंटी परसेंट के हिसाब से आउटपुट टैक्स देना पड़ता है लेकिन कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं जिसपे ट्वेंटी परसेंट आउटपुट टैक्स नहीं होता उस पर आउटपुट टैक्स की परसेंटेज डिफरेंट होती है वो चीज़ें कौन कौन सी हैं तो नंबर वन है ज़ीरो रेटेड आइटम्स कुछ चीज़ें ऐसी हैं कुछ सप्लाइज ऐसी हैं कुछ ट्रेडिंग की आइटम्स ऐसी हैं जिनके ऊपर आउटपुट टैक्स जीरो परसेंट होता है उनको हम कहते हैं जीरो रेटेड सप्लाइज कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं जिसपे फाइव परसेंट आउटपुट टैक्स होता है उनको हम कहते हैं डोमेस्टिक फ्यूल की आइटम्स कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं जिसपे आउटपुट होता ही नहीं उनको हम कहते हैं एग्जाम अब यहां पे एक क्वेश्चन आता है सर जीरो परसेंट और एग्जाम में क्या फर्क है दोनों केस में आप कह रहे हैं आउटपुट नहीं होगा तो फर्क क्या है आइए फर्क को डिस्कस करते हैं हम कहते हैं आउटपुट टैक्स जो कि सेल्स पे होता है एक चीज़ होती है इनपुट टैक्स जो परचेजेस पे होता है जो हमारी स्टैंडर्ड रेट यानी मोस्टली सप्लाईज हैं उन पे इनपुट और आउटपुट दोनों ट्वेंटी परसेंट होता है आप खरीदोगे तो ट्वेंटी परसेंट टैक्स निकालना पड़ेगा आप बेचोगे आप ट्वेंटी परसेंट उसमें ऐड करके कंज्यूमर से ले लोगे यानी खरीदने वाला उसको खरीदते वक्त ट्वेंटी परसेंट टैक्स आपको देगा जो आप गवर्नमेंट को दे दोगे बेचते टाइम आप अपनी प्राइस के अंदर ट्वेंटी परसेंट ऐड करके आगे बेचोगे और कंज्यूमर से वो ले लोगे यह है स्टैंडर्ड रेट का केस जीरो रेटेड के अंदर जब आप बेचोगे आप सेल करोगे तो आप हंड्रेड की चीज में कुछ भी ऐड नहीं करोगे आप वो चीज हंड्रेड की ही आगे बेचोगे लेकिन अगर आप जीरो रेटेड आइटम परचेस कर रहे हो तो आपको इनपुट टैक्स ट्वेंटी परसेंट ही मिलेगा ज़ीरो रेटेड आइटम में ख़रीदते वक्त आपका इनपुट टैक्स होगा सेल करते वक्त आउटपुट टैक्स नहीं होगा एग्जैम्ट आइटम्स के अंदर आपका इनपुट भी नहीं होता आपका आउटपुट टैक्स भी नहीं होता ये तो सप्लाई इसकी डेफिनेशन है और किस चीज़ पे इनपुट टैक्स होगा किस चीज़ पे आउटपुट टैक्स होगा उसकी डिटेल हमने देखी अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं सर हमें एग्ज़ाम में कैसे पता चले कि कौन सी आइटम्स पे ज़ीरो परसेंट है कौन सी पे एग्ज़म्ट है के रूल्स होंगे और कौन सी आइटम्स जो हैं वो स्टैंडर्ड रेट होंगी तो बड़ा आसान है ज़ीरो रेटेड और एग्जाम की हमारे पास लिस्ट अवेलेबल है हम जीरो रेटेड और एग्जाम की लिस्ट को मेमोराइज़ कर लेंगे याद कर लेंगे और इसके अलावा जो नॉर्मल आइटम्स होंगी वो स्टैंडर्ड रेट में चली जाएंगी तो ये आपने याद करना है ज़ीरो रेटेड में कौन कौन सी चीज़ आती है ज़ीरो रेटेड का मतलब क्या है उस पर आउटपुट टैक्स ज़ीरो परसेंट होगा जबकि इनपुट टैक्स ट्वेंटी परसेंट ही कैलकुलेट करेंगे ज़ीरो रेटेड आइटम्स में हमारे पास आती है नॉन लग्जरी फूड आइटम्स जिसमें केक्स जाफा केक्स टी केक्स चिप्स एक्सेट्रा आते हैं एनिमल फूड्स ये भी ज़ीरो रेटेड है बुक्स न्यूज़ जो न्यूज़पेपर है उसकी एक कंडीशन है जो न्यूज़पेपर में एडवरटाइजमेंट होगी वो स्टैंडर्ड रेट में जाएगा जो न्यूज़पेपर पेपर एडवरटाइजमेंट नहीं लेते जो एडवरटाइजमेंट के बगैर चल रहे हैं वो जीरो रेटेड में आएंगे सीवरेज वाटर सर्विसज प्रोटेक्टिव क्लोथ्स अगर आप सेल करते हैं हेलमेट्स एक्सेट्रा बिल्डिंग जो रेजिडेंशियल या चैरिटेबल यूज़ के अंदर है उसके अंदर लिस्टिंग का काम वो बिल्डिंग कर रहे हैं आप डिवेलिंग का काम कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन है या चिल्ड्रन क्लोथ्स या शूज़ का बिजनेस है या आइटम्स हैं तो ये चीज़ें जो है वो ज़ीरो रेटेड में आएंगी जिनकी सेल पर कोई टैक्स नहीं होगा जबकि उनके परचेज़ करने पर आपको ट्वेंटी परसेंट इनपुट टैक्स मिलेगा कौन से आइटम्स एग्जाम होती हैं हमारे पास लिस्ट है फाइनेंशियल सर्विसेज, बैटिंग एंड गेमिंग हेल्थ सर्विसेज, नॉट फॉर प्रॉफिट एजुकेशनल ट्रेनिंग जो होती हैं बी सर्विसेज, सर्विसेस फिर एंट्री फीस फॉर नॉन प्रॉफिट मेकिंग स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन एंट्री फीस भी एक तरह से रेवेन्यू ही है ये चीजें आपकी एग्जामड सर्विसेज में आती हैं एग्जाम सप्लाइज में आती हैं एग्जाम सप्लाइज का मतलब यह है कि जब इनको सेल करेंगे आउटपुट टैक्स नहीं होगा इनकी परचेजेज़ के ऊपर भी आउटपुट टैक्स नहीं होगा अब आपके जहन में ये सवाल आएगा कि जीरो रेटेड में फ़ायदा क्या है स्टैंडर्ड रेटेड में क्या चीज़ होगी तो एक रफली आपको एग्ज़ाम्पल से समझाते हैं। अज्यूम करें एक बंदे ने कुछ चीजें सेल की जिस पे उसका आउटपुट टैक्स आ गया टेन थाउजेंड पाउंड उसने कुछ परचेजिंग करी उस पे इनपुट टैक्स आया फाइव थाउजेंड पाउंड ये है एक एग्जांपल चीजें जो सेल कर रहा है वो है स्टैंडर्ड रेटेड अब क्या होगा आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी होता है गवर्नमेंट को देना होता है यानी आप गवर्नमेंट के बिहाफ पे आवाम से ले रहे होते हो फाइनल कंज्यूमर से कलेक्ट कर रहे होते हो इनपुट टैक्स आपका कलेक्टेबल यानी रिसीवेबल होता है आपका एसेट होता है किससे गवर्नमेंट से आप दे चुके होते हो जब ये नेट करते हैं तो आती है फाइनल लाइबिलिटी टेन थाउजेंड माइनस फाइव थाउजेंड जो फाइव थाउजेंड है इसको हम कहेंगे पेएबल लाइबिलिटी ज़्यादा है कलेक्टेबल कम है देना ज़्यादा है गवर्नमेंट से रिकवरेबल इनपुट टैक्स इज अ रिकवरेबल अमाउंट जो गवर्नमेंट से लेनी है वो कम है तो आपका आंसर लाइबिलिटी बनेगा वाइस वर्षा केस में आपका आंसर रिसीवेबल फ्रॉम गवर्नमेंट भी हो सकता है यह स्टैंडर्ड रेट का एग्जांपल अब आप देखिए यहाँ पे अज्यूम करें ये ज़ीरो रेटेड है ज़ीरो रेटेड है तो इस पर इनपुट टैक्स तो कुछ भी नहीं होगा सॉरी इस पर आउटपुट टैक्स तो कुछ भी नहीं होगा लेकिन इनपुट टैक्स जरूर होगा एग्जाम्पल इसको नंबर डाल देते हैं ताकि समझ में ज़्यादा आ जाएगी जीरो रेटेड है जीरो रेटेड में आउटपुट टैक्स नहीं होता सेल पे कोई टैक्स नहीं होता लेकिन परचेजिंग पे रिकवरेबल अमाउंट जरूर क्रिएट होती है लेट सपोज फाइव थाउजेंड की आपकी लाइबिलिटी जीरो आपका एसेट फाइव थाउजेंड तो आपका क्या बन गया ये फाउंड्स फाइव थाउजेंड गवर्नमेंट से आपका रिसिवेबल क्रिएट हो गया यानी अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ जीरो रेटेड आइटम ही सेल करते हैं तो आपका हर बार जो है वो रिसिवेबल ही क्रिएट होगा हाँ आप ज़ीरो रेटेड आइटम भी बेचते हैं जिस पे आपका रिसिवेबल बन रहा है आप नॉर्मल आइटम्स ही बेच रहे हैं जिस पे आपका पेएबल बन रहा है तो नेट ऑफ होके फिर गवर्नमेंट को पेएबल या रिसिबल दिया जाएगा और अगर आप एग्जाम आइटम का ही हंड्रेड परसेंट बिजनेस करते हैं तो ना आपको टैक्स देने का है ना लेना है ना इनपुट है ना आउटपुट है आंसर वैट पेबल जो है वो ज़ीरो ही रहेगा होपफुली ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी अब वैट की रजिस्ट्रेशन वाई रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी या वाई रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड या व्हाट्स आर द एडवाटेज फॉर ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड देर इज वन डिस एडवांटेज एज वेल बात करते हैं इनपुट टैक्स क्लेम करना चाहते हैं तो यू हैव टू रजिस्टर्ड यानी रजिस्ट्रेशन करने का सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि आप अपने इनपुट टैक्स को गवर्नमेंट से क्लेम कर सकते हैं यानी आप उसको एसेट और आउटपुट टैक्स से नैट ऑफ करके गवर्नमेंट से मांग सकते हैं अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो आप आउटपुट तो देंगे गवर्नमेंट को तो देंगे लेकिन आप उस पर इनपुट टैक्स अपनी परचेजेस के ऊपर इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते नहीं है ये आपने याद रखना है अब ये तो है रजिस्ट्रेशन की फायदा कि आप रजिस्टर्ड कराओगे आप इनपुट टैक्स क्लेम कर सकोगे वॉलंट्री रजिस्ट्रेशन यानी हमने अपनी मर्जी से जब चाहा रजिस्टर्ड करवा लिया उसका ये फ़ायदा है एक ड्रॉबैक है टैक्स रिटर्न जमा करवाना पड़ेगा टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को देखना पड़ेगा इनपुट आउटपुट की वर्किंग करके प्रॉपर वर्किंग गवर्नमेंट को सबमिट करनी होगी ये ड्रॉबैक है लेकिन मॉनेटरी फ़ायदा बड़ा है इनपुट टैक्स आप क्लेम कर सकते हैं जिससे आपकी लाइबिलिटी आउटपुट टैक्स एडजस्ट हो जाएगा आपका कैश फ्लो इम्प्रूव करेगा ये है हमारे पास वॉलेंट रजिस्ट्रेशन का एडवांटेज एंड स्मॉल ड्रॉबैक अब एक बात है क्या मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन भी है क्या गवर्नमेंट हमें कहती है यू हैव टू रजिस्टर तो यस गवर्नमेंट ने दो टेस्ट दिए एक हिस्टोरिकल टेस्ट और एक फ्यूचर टेस्ट आपकी कंपनी या आप एज अ सोल ट्रेडर अगर इन दोनों टेस्ट में से किसी भी टेस्ट के रिजल्ट पे पॉजिटिव आ जाते हैं यहाँ पे हमारी मुराद नॉर्मल कंपटीशन है कंपटीशन है एक लिमिट है उस लिमिट को अगर आप मीट कर जाते हैं तो यू हैव टू रजिस्टर्ड कैसे होता है हम ये बॉक्स में देखेंगे आपकी सीन पे एक बॉक्स आ रहा है हिस्टोरिकल टेस्ट यू हैव टू रजिस्टर्ड इफ आज हम खड़े हुए हैं लेट सपोज़ हमारे पास फैब चल रहा है तो पिछले प्रीवियस ट्वेल्व मंथ्स में हमारी जो सप्लाइज हैं जो हमने टैक्सेबल आइटम्स पे बिजनेस किया है वो अगर एटी फाइव थाउजेंड पाउंडस को एक्सीड करें तो हमें थर्टी डेज़ के अंदर अंदर रजिस्टर्ड हो जाना है द ट्रेडर हैज थर्टी डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द लिमिट इज ब्रीच टू नोटिफाई एच एम आर सी ऑफ द नीट टू मतलब यह है कि आपने जिस मंथ में ये लिमिट क्रॉस की आपने उस मंथ के बाद विद इन थर्टी डेज एच एम आर सी को नोटिफाई कर देना है कि भाई मैं जो हूँ वो आ गया हूँ मैंडेटरी के क्राइटेरिया के अंदर एच एम आर सी को आप खुद बताएंगे कि भाई मैं रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन के क्राइटेरिया को मीट करता हूँ तो मैं हूँ और फिर एच एम आर सी आपको रजिस्टर करेगा और आपकी रजिस्ट्रेशन जो एप्लीकेबल होगी वो होगी फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द मंथ यानी स्टार्ट ऑफ द मंथ का मतलब है वन मंथ आफ्टर द लिमिट इज ब्रीच्ड आज हमारा वेबिनार है जिसके अंदर हमने थ्री को डिस्कस करना है डिटेल क्वेश्चंस उसके सॉल्यूशंस वगैरह आपको वी से मिल जाएंगे वी का कांटेक्ट नंबर आपके पास चल रहा होगा फ्यूचर टेस्ट मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन के लिए एक और टेस्ट है अगर आप हिस्टोरिकल टेस्ट को मीट नहीं कर रहे आप प्रोजेक्शन तो करते हैं आप बिजनेस चला रहे हैं फ्यूचर प्रोजेक्शन ज़रूर करते हैं कि भाई नेक्स्ट हमारे पास कितनी सेल होगी क्या होगी कैसे होगी तो अगर आपको एक्सपेक्टेड है कि आपका फ्यूचर टर्नओवर 85,000 पाउंड्स को एक्सीड करेगा तो विद इन थर्टी डेज़ आपको नोटिफाई कर देना है यानी एक हिस्टोरिकल है प्रीवियस 12 मंथ्स और एक फ्यूचर है कि कमिंग फ्यूचर में अगर 85,000 को लिमिट आप देखते हैं कि मीट हो जाएगी तो इस केस में भी आइदरवेज दोनों में से जो भी कंडीशन मीट हो यू मस्ट नोटिफाई एच एम आर सी कि आप क्राइटेरिया को मीट कर रहे हो 30 डेज का टाइम होता है नोटिफाई करने का और फिर रजिस्ट्रेशन विल अप्लाई फ्रॉम द डे वन ऑफ द थर्टी डेज पीरियड अभी कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन हैं वेबिनार में हम इन क्वेश्चन को डिस्कस आज नहीं कर रहे जिससे कि हमने पहले भी कहा था कि हम आज वैट की थ्योरी को डिस्कस करेंगे जो कि स्टूडेंट्स की एक वीक पॉइंट होता है ताकि उनकी इस वीकनेस को ओवरकम किया जा सके अगर इससे रेलिवेंट आपको क्वेश्चन और इसके आंसर चाहिए तो अगेन यू नीड टू कॉन्टैक्ट वीफी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी वैट की वॉल्ट्री रजिस्ट्रेशन ये आपके सामने बॉक्स में डिटेल लिखी हुई है डी रजिस्ट्रेशन अब एक वेंडर है एक बंदा है वो ट्रेडर है वो रजिस्टर्ड है और वो थक गया है कि यार इतने वेट के पेपर्स ये वो मैं मुझसे नहीं हो रहा तो क्या वो डी रजिस्टर्ड अब उसका उसकी परचेजिंग यू सपोज़ करें कि वो जो चीज़ें खरीदता है वो है ही जीरो वो जो खरीदता है वो सारी एग्जैम्ट आइटम्स हैं तो फिर वो कहेगा कि भाई मैं क्यों रजिस्टर्ड रहूँ रजिस्टर रहने का फ़ायदा ही क्या है मैं रजिस्टर हो जाता हूँ एक बार रजिस्टर्ड अब हो गए तो क्या आप डी रजिस्टर हो सकते हो तो यस लेकिन उसके लिए रूल है कि ट्वेल्व मंथ्स नेक्स्ट ट्वेल्व मंथ्स की आपकी सप्लाईज एटी थ्री थाउजेंड को एक्सीड ना करें अगर ये कंडीशन आप मीट करते हैं तो यू आर ओके फाइन आप डी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगी एक छोटा सा टॉपिक ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एज अ गोइंग कंसर्न इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ वैट एक ट्रेडर ने अपना पूरा बिजनेस एज अ गोइंग कंसर्न चलता हुआ बिजनेस किसी और को ट्रांसफर कर दिया ये वैट के स्कोप से बाहर है सेकेंड थिंग आउटपुट वेट मस्ट बी अकाउंटेड फॉर ऑन द सेल ऑफ एसेट आफ्टर द सीजेशन ऑफ ट्रेड आपने बिजनेस बंद करा एसेट सेल करोगे ना इंडिविजुअल एसेट्स को सेल करोगे बिजनेस आपने बंद कर दिया बिजनेस चलता बिजनेस किसी को नहीं बेचा अगर चलता बिजनेस किसी को बेचोगे गोइंग कंसर्न सेल कर रहे हो तो ये वैट के स्कोप से बाहर है एक एक एसेट आप सेल करते हो तो फिर क्या रूल है आफ्टर द सजेशन ऑफ ट्रेड इफ इनपुट टैक्स वॉज क्लेम्ड ऑन द परचेज ऑफ दोज एसेट एंड द वैट ऑन सेल इज़ ग्रेटर देन वन थाउजेंड पाउंडस मतलब ये है कि इंडिविजल एसेड अगर आप सेल कर रहे हो तो उस पर आउटपुट टैक्स देना होगा कि नहीं तो जी हाँ उस पर आउटपुट टैक्स देना होगा कब कि जब उनको ख़रीदते वक्त परचेस करते वक्त उन पर आपने इनपुट टैक्स क्लेम किया हो और जो आउटपुट टैक्स कैलकुलेट होके अमाउंट आ रही है वो वन थाउजेंड पाउंड को एक्सीड करें ये दो कंडीशन मीट हो जाए तो इंडिविजुअल एसेट जो सेल होते हैं इन द केस ऑफ सीजेशन उस पर भी आपको आउटपुट टैक्स देना पड़ेगा अब अगर आप वेट पे रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो आपका इनपुट टैक्स क्लेम होना शुरू हो जाएगा आप इनपुट टैक्स क्लेम कर सकेंगे लेकिन जिस डेट को रजिस्टर्ड होगी उससे ऑनवर्ड्स ना लेकिन वेट आपको एक सहूलत देता है वेट ये कहता है कि भाई आप जो हैं वो जो आपने पास्ट में रजिस्ट्रेशन से पहले परचेजिंग की है उसके ऊपर भी जो इनपुट टैक्स है वो क्लेम कर सकते हैं गुड्स के केस में फ़ोर इयर्स पुरानी गुड्स हों, स्टिल इन स्टॉक हों ट्रेडिंग इन नेचर की हों तो आप उसका इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं और सर्विसेस केस में सिक्स मंथ्स तक पुरानी सर्विस हो कंटिन्यू हो एट द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और ट्रेड रिलेटेड हो तो उस पर भी आप क्या कर सकते हैं इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं वैट रिटर्न वैट की नॉर्मल वर्किंग क्वार्टरली होती है वैट नॉर्मली क्वार्टरली कैलकुलेट होता है और पे होता है वेट रिटर्न मस्ट कब सबमिट करना है तो वेट रिटर्न मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन वन मंथ एंड सेवन डेज आफ्टर द एंड ऑफ द रिटर्न पीरियड रिटर्न पीरियड क्या है क्वार्टर क्वार्टर खत्म हुआ तो उसके वन मंथ एंड सेवन डेज अगर टाइम है आपके पास रिटर्न को सबमिट करने के लिए ऑनलाइन सबमिट होगा और यही आपकी ड्यू डेट ऑफ वैट की पेमेंट भी होती है वैट इन जो बंदा वैट से रजिस्टर्ड है उसको वैट इन बनाना जरूरी है वैट इनवाइस पे क्या क्या होता है नाम सप्लायर का नेम एड्रेस रजिस्ट्रेशन नंबर डेट ऑफ इशू टैक्स पॉइंट इन्वाइस नंबर कस्टमर का नेम एड्रेस रजिस्ट्रेशन पॉइंट और वैट की पूरी वर्किंग ग्रॉस अमाउंट नेट अमाउंट और वैट की अमाउंट अब ये कॉम्प्रहेंसिव इन्वाइस बनाना जिसमें सारी डिटेल हो और थर्टी डेज के अंदर आपके पास यू हैव थर्टी डेज ऑफ दर्टी डेज ऑफ द टाइम ऑफ सप्लाई एंड मस्ट कीप कॉपी आपने इवाइस भी बनानी है उसकी कॉपी भी रखनी है सेल के थर्टी डेज़ के अंदर ये इन्वास कस्टमर को इशू भी करके दे देनी है ये रूल है अगर आप वैट से रजिस्टर्ड हैं तो लेकिन अगर आपकी इन्वाइस की वर्थ टू फिफ्टी पाउंडस तक है लेस देन टू फिफ्टी पाउंड है तो फिर आप समराइज इन्वाइस भी बना सकते हैं डिटेल इन्वाइस की फिर ज़रूरत नहीं रहती जब आप सेल करते हैं वो कैश हो के क्रेडिट आपको आउटपुट टैक्स कैलकुलेट करना होता है अब क्रेडिट सेल्स में एक रिस्क है कि अगर हमने जिसको सेल करी है हमारा कस्टमर भाग गया तो फिर हम क्या करेंगे तो इस सिनेरियो में ये है कि बैड डेट्स अगर एक्चुअली राइट ऑफ हो जाए सिक्स मंथ्स पुराना राइट right ऑफ अगर हो जाए तो फिर हमारा जो टैक्स हमने पे किया होता है वो हम रिकवर कर सकते हैं रिलीफ इज अवेलेबल सिक्स मंथ्स आफ्टर द ड्यू डेट प्रोवाइडेड द ट्रेडर हैज़ रिटर्न द डेट ऑफ ये सिंपल रूल है बैड डेट्स का इसके बाद आता है पेनल्टीज अगर आपने वैट रिटर्न लेट जम, जमा करवाया या आपने पेमेंट लेट करी तो आपको इंटरेस्ट या सरचार्ज देना पड़ेगा सरचार्ज लायबिलिटी नोटिस आपको इशू करेगा एच एम आर सी इशू अ सरचार्ज लायबिलिटी नोटिस एस एल एन द फर्स्ट टाइम अ ट्रेडर इज लेट सबमिटिंग अ रिटर्न और लेट पेंग वैट द एस एल एन रंस फॉर ट्वेल्व मंथ्स बट नो पेनल्टी अराइज फॉर द फर्स्ट डिफॉल्ट पहली गलती पर कोई पेनल्टी अराइज नहीं होगी इफ अ फर्दर डिफॉल्ट अकर्स ड्यूरिंग द एस एल एन पीरियड द एस एल एन पीरियड इज एक्सटेंडेड फॉर अ फर्दर ऑफ टूवेल्व मंथ्स आपने एस एल एन पीरियड शुरू हो गया आपने गलती की तो आपको टू परसेंट पहली गलती दूसरी गलती उसी एस एल एन पीरियड में फाइव परसेंट गलती हुई ट्वेल्व मंथ्स एक्सटेंड हुए थर्ड पे टेन परसेंट फोर्थ हुई फिफ्टीन परसेंट यह आपका रेट है जो आपको देने पड़ेंगे फिर आपका मिस डिक्लेरेशन पेनल्टीज अगर आपसे ऐसे ही कोई गलती हो गई है डेलीब्रेशन नहीं है ऐसे ही कोई गलती हो गई है तो सिंपल मिस्टेक पे कोई पेनल्टी नहीं है लेकिन अगर आपकी गलती अंडर स्टेटमेंट ऑफ टैक्स का बायस बनती है तो थर्टी परसेंट और लेस देन ऑफ द अंडर स्टेटेड टैक्स इफ़ टैक्स पेयर फेल्स टू टेक रीजनेबल केयर आपने गलती की जिसकी वजह से टैक्स कम हुआ टैक्स लाइबिलिटी कम हो गई और वो गलती मिस्टेक नहीं थी वो आपकी केयरलेसनेस थी आपने केयर नहीं की तो आपको थर्टी परसेंट तक अप टू थर्टी थर्टी से कम हो सकता है अपू थर्टी परसेंट ऑफ योर लाइबिलिटी फ़ाइन हो सकता है लेकिन आपका टैक्स कम हुआ और ये मिस्टेक भी नहीं केयरलेसनेस भी नहीं ये डेलीब्रेशन है जानबूझ के आए आज छोड़ ऐसे नहीं ऐसे यूं यू, यू करके आपने करा तो आपको 70% परसेंट ऑफ द लाइबिलिटी फाइन हो सकता है और अगर कंसीलमेंट किया आपने गलती को छुपाया गलती की भी गलती छुपाई गलती पे अड़े रहे पकड़ में आ गए हंड्रेड परसेंट ऑफ लाइबिलिटी अमाउंट यू विल गोइंग टू बेयर ये है हमारे पास सर चार्जेस की डिटेल अब आते हैं हमारे पास एक और फाइन है डिफॉल्ट इंटरेस्ट डिफ़ॉल्ट इंटरेस्ट अराइज होता है जब आप रिटर्न जमा नहीं कराते या गलत रिटर्न जमा कराते हो नो इंटरेस्ट ऑन एरर्स ऑफ लेस देन टेन थाउजेंड या वन परसेंट ऑफ टर्न ओवर अगर आपकी गलती टर्न ओवर का वन परसेंट या टेन थाउजेंड पाउंड में दोनों में से जो लेस देन है उसके बराबर है तो ठीक है कोई मसला नहीं है लेकिन अगर ज़्यादा है तो फिर आपको डिफॉल्ट इंटरेस्ट चार्ज होगा कैसे चार्ज होता है इसकी प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस होती हैं आज के वेबिनार में हमने सिर्फ थ्योरी पे फोकस करना है इसके बाद आती है वैट की अकाउंटिंग स्कीम्स अभी हमने बात की वैट जो है वो क्वार्टरली पे होता है लेकिन गवर्नमेंट तीन स्कीम्स भी ऑफर करती है पहली स्कीम है कैश अकाउंटिंग स्कीम इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है इसमें होता क्या है इसमें होता यह है कि आप क्रेडिट के ऊपर वेट नहीं देते आप कैश के ऊपर वेट देते हो यानी बैड डेट्स ऑटोमेटिकली बैड डेट्स पे टैक्स पे हो गया या ऑटोमेटिकली आउट हो जाता है कैश रिसीव हुआ यानी परचेजिंग का जब पैसा आया इनपुट क्लेम करोगे जब सेल पे टैक्स दिया पेमेंट करी आउटपुट टैक्स पे करोगे इसमें कौन आ सकता है तो इसमें वो ट्रेडर आ सकता है जिसका सप्लाईज की वर्थ टैक्स के बगैर नेट अमाउंट 1.3 मिलियन पाउंड से ज्यादा ना हो अब आप वैसी स्कीम में रजिस्टर्ड हुए आपकी जो अमाउंट आ रही थी वो 1.3 मिलियन आ रही थी 1.35 मिलियन तक अगर है आपकी सप्लाईज तो आप इस स्कीम में आ सकते इससे ज्यादा तो नहीं आ सकते आपने जब स्कीम ज्वाइन की तो 1.3 मिलियन पाउंड्स आपकी सप्लाइज थी थर्ड टाइम बाद आपकी सप्लाईज बढ़ गई 1.4 मिलियन हो गई तो क्या आप डी रजिस्टर्ड हो जाओगे तो नहीं नहीं एक मरतबा आप कैश अकाउंटिंग स्कीम में रजिस्टर्ड हुए कब हो सकते हो जब 1.35 मिलियन से कम आपका टर्नओवर हो नेट अमाउंट सेल्स की अमाउंट अब हो गए रजिस्टर्ड डी रजिस्टर्ड उस वक्त तक नहीं हो गए जब तक टर्न ओवर बढ़ बढ़ के बढ़ बढ़ के इंक्रीज हो हो के 1.6 मिलियन पाउंड तक ना चला जाए अगर आपका टर्न ओवर वन मिलियन पाउंड तक पहुँच गया है तो फिर आपको ये स्कीम छोड़ना पड़ेगी दूसरी स्कीम है हमारे पास एनुअल अकाउंटिंग स्कीम क्वार्टरली बैट कौन थे कौन क्वार्टरली उसकी वर्किंग करता रहे साल में एक मरतबा बैट की वर्किंग करेंगे यह है एनुअल अकाउंटिंग स्कीम अब इसका कैलकुलेशन है इसी कैलकुलेशन में डिफरेंट चीज़ें हैं कि ट्रेडर नॉर्मली नाइन्टी परसेंट ऑफ लास्ट ईयर नेट अमाउंट पिछले साल की वर्थ पे पिछले साल की वैल्यू के ऊपर अगले साल का वैट पे होता है फिर उसकी कैलकुलेशन बनती है हम थ्योरी की बात कर रहे हैं तो एनुअल अकाउंटिंग स्कीम में क्या होता है भाई आप एनुअली वेट पे करते हो कैसे करते हो यह इसका कैलकुलेशन पार्ट है कौन इस स्कीम में आ सकता है जो 1.35 मिलियन सेम है जो कैश स्कीम का लिमिट है 1.35 मिलियन के अंदर टर्नओवर है जिसका वो इस स्कीम में आ सकता है एडमिनिस्ट्रेशन आपकी बचती है आप साल में एक रिटर्न जमा कराते हो नॉर्मली चार क्वार्टरली होता है ना चार रिटर्न जमा कराने एक भी लेट हो गया तो सर चार्ज पेनल्टी इंटरेस्ट ये देना पड़ सकता है साल में एक ही रिटर्न होगा चार बार जमा कराने से एक बार जमा कराना आसान है एडमिनिस्ट्रेशन बच गई चार बार जमा कराने एक भी लेट हो गया या दो लेट हो गए फाइन होगा एक ही जमा कराना है टाइम पे जमा करवाएंगे फाइन वगैरह से बच सकते हैं चार बार पेमेंट करनी है गवर्नमेंट को कैश फ्लो हिल जाएगा कंपनी का, का एक ही बार करनी है तो पूरे साल में जब ईयर एंड होगा जब एक बार कर देंगे चार बार कैश फ्लो नहीं हिलेगा एक बार हिलेगा इसके बाद एक स्कीम है फ्लेट रेट स्कीम यानी ट्वेंटी परसेंट इनपुट आउटपुट यार मेरा छोटा सा बिजनेस है भाई मैं इतनी मगजमारी नहीं कर सकता मुझे नहीं आता ऐसा है बहुत सारे ट्रेडर्स सोचते हैं तो गवर्नमेंट ने उनके लिए स्कीम निकाली फ्लेट रेट स्कीम कि इनपुट को छोड़ दो आउटपुट पे ट्वेंटी नहीं हम आपको नेट ऑफ करके एक रेट दे देंगे उस रेट पे आप टैक्स पे कर देना ये कहलाती है फ्लेट रेट स्कीम इस पर जो रेट डिसाइडेड होता है वो क्वेश्चन में गिवन होगा इसमें कौन आ सकता है जिसका टर्न ओवर हंड्रेड एंड फिफ्टी थाउजेंड पाउंड्स तक हो यानि स्मॉल ट्रेडर्स के लिए है और जब वो टू थर्टी पाउंडस को क्रॉस कर जाएगा तो इस स्कीम से ऑटोमेटिकली वो डीलिस्ट हो जाएगा अब आपके सामने ये देखिए कैल्कुलेशन हैं इग्जाम्पल्स हैं अगेन इसकी कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेशन के आंसर्स वगैरह के लिए आप जो है वो वी से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ये हमारे पास एक छोटी सी वेबिनार हमने रखा जिसके अंदर हमने वैल्यू एडिट टैक्स को डिस्कस करा जो कि हमारे एग्ज़ाम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिसको जिनको वैट के ऊपर एग्ज़ाम में फाइव टू टेन एम आ चुके हैं स्टूडेंट्स इस टॉपिक को बस एक बार रीड करते हैं पेपर में चले जाते हैं और पेपर में जब वैट ही वैट आ रहा होता है तो फिर वो बहुत ज़्यादा डिसहार्ट होते हैं अजीब व गरीब उनकी सिचुएशन होती है कि ये क्या हो गया तो वैट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसकी थ्योरी आज का वेबिनार आपकी हेल्प करेगा आपने वैट को अच्छी तरह से तैयार करके पेपर में जाना है थैंक यू फॉर योर टाइम अलैक्म